हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड तुम यहां पे देख सकते हो कि अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे आईटी एंड तुम्हारे जो रेलवे एंड इन सब के जो मिनिस्टर हैं, अगर तुम इनका ट्विटर अकाउंट खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इन्होंने यहां पे बोला है इंटेल वेलकम टू इंडिया, वेरीफाइड अकाउंट है जो कि मैं तुम्हें एक बार यहां पे दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो यहां पे इनका ट्वीट आप देख सकते हो, इंटेल वेलकम टू इंडिया। और यहां पे इन्होंने जो रणधीर ठाकुर जी हैं उनको जो है वो यहां पे रिप्लाई करा है, कांग्रेट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पे इन्होंने इंटेल के बारे में लिखा। और अगर मैं इनको तुम्हें इनका ट्विटर अकाउंट दिखाऊं तो तुम देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या फिर मिनिस्टर ऑफ रेलवे, सॉरी मिनिस्ट्री बोल दिया, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। तो इनके जो है ये मिनिस्टर्स हैं। और आपने नाम भी सुना होगा, मैं ज़्यादा चीज़ों को फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हो आईएएस या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा है इंटेल वेलकम टू इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोबारा से खुल गया ट्विटर, सॉरी। तो इंटेल जो है वो एक्चुअली में देख रहा है इंडिया में अपनी एक फैब खोलने। और जिस तरीके से अश्वनी वैष्णव सर ने जो लिखा हुआ है कि इंटेल वेलकम टू इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो कि नाम के आगे इतना बड़ा नीला टिक लगा हुआ है, अगर वो लिख रहे हैं तो आई थिंक डील काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और ये मैं चीज़ जो है वो काफ़ी समय से कवर कर रहा हूँ कि इंटेल, टीएसएमसी, सैमसंग में भी कोई कंपनी ऐसी चिप मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में आने की चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे जो है इंडिया ने जो है वो खुद एक फंड निकाला है 76,000 करोड़ का, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 10 बिलियन का जो है वो फंड निकाला है इंडिया ने इंसेंटिव्स इन कंपनीज को देने के लिए, ताकि वो इंडिया में जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग करें। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ये तो चलो ऑफिशियल हो ही गया, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, कौन सी चिप बनाएगा इंटेल इंडिया में, कौन सी बनाएगा? लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर के सीपीयूज बनेंगे इधर इंडिया में। गाइस सोच के देखो, लाइक लेटेस्ट स्टेट ऑफ, तुम्हारे पास क्या है? एएमडी का, टीएसएमसी का 7 नैनोमीटर? नहीं गाइस, ये जो स्वैब बनेगी इसके अंदर 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर की प्रोसेस नोड यूज होगी, जिसको कि इंटेल बोलता है 18A, यानी कि 18 एंगस्ट्रॉम। दिखाता हूं मैं एक तरीके से, तो यहां पे देखो कहीं पे लिखा भी होगा, पहले मैं वो चीज़ दिखा दूँ आपको, यहाँ पे मेंशन मुझे नहीं दिख रहा, मैंने कहाँ पे देखा था, ये रहा देखो। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि इंटेल फाउंड्री सर्विसेज डील्स विद डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एश्योर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बाय एस्टैब्लिशिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ सेमीकंडक्टर आईपी इकोसिस्टम टू डेवलप एंड फैब्रिकेट टेस्ट चिप्स ऑन इंटेल 18 एंगस्ट्रॉम, इंटेल मोस्ट एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मैं एक और दूसरे सोर्स पे भी, दूसरी साइट पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने 18 एंगस्ट्रॉम का जो है वो मेंशन करा होगा कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो 18 सर्च मारते हैं। 18 किधर है भाई? मिला ही नहीं, वाओ, इन लोगों ने मेंशन ही नहीं करा। वेरी नाइस वेबसाइट यार। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस पे हम चले गए, यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा ये सपोज। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द न्यू यूनिट सोर्सेज सेड दैट कुड बी सेट अप फॉर डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन टेस्ट फॉर इंटेल 18 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब 18 एंगस्ट्रॉम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन, ये अभी कहीं पे कंफर्म नहीं हुआ है कि 18 एंगस्ट्रॉम ही यूज़ होंगे, बट जैसा कि ये सोर्सेस हैं और इन सोर्सेस ने पहले बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और यही सोर्सेस अगर आप 18 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो हो सकता है ये काफ़ी हद तक सच हो। और मैं तुम्हें एक बार आनंद टेक पर ले जाना चाहूँगा। आनंद टेक पर अगर तुम देखोगे तो ये इंटेल का पूरा रोड मैप है, नया रोड मैप। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अभी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो तुम्हारे लेटेस्ट 12th जन प्रोसेसर हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं इंटेल 7। ठीक है, इंटेल 7, जिसका कि नाम 7 है, बट है ये इंटेल का 10 नैनोमीटर एनहेंस्ड सुपरफिन। ठीक है, इंटेल ने नाम 7 कर दिया ताकि तुमको लगे कि तुम एएमडी का भी 7 नैनोमीटर का सीपीयू यूज़ कर रहे हो, इंटेल का भी 7, लेकिन नहीं, असल में ये है इंटेल का 10 नैनोमीटर सुपरफिन। ठीक है, उसके बाद इंटेल निकालेगा इंटेल 4, जो कि होगा इंटेल 7 नैनोमीटर एक्चुअली में, बट नाम इसका होगा इंटेल 4। उसके बाद होगा तुम्हारा इंटेल 3, जो कि इंटेल 3 जो है ये 7 नैनोमीटर प्लस होगा, ये 3 नैनोमीटर नहीं है, ये 7 नैनोमीटर प्लस है। ठीक है, जो कि हम आज एएमडी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट इंटेल की टेक्नोलॉजी डेंस है, इंटेल ज़्यादा ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर मिलीमीटर जो है वो डालता है, इंटेल का प्रोसेस नोड जो है वो ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू टीएसएमसी। और जो ये 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये तुम जानते हो कि इंटेल का 10 इज इक्वल टू टीएसएमसी का 7, तो तुम काइंड ऑफ इनको कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस तुम एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह से जो है वो मेजर करो, और बहुत सारी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, बट हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इंटेल का जो 20A है ये होने वाला है इंटेल का 5 नैनोमीटर। ठीक है, दिस विल बी इंटेल्स 5 नैनोमीटर। और इस 20A के बाद एक और आएगा इंटेल 18A, जो कि होगा इंटेल का 3 नैनोमीटर। ठीक है, लिखा भी यहाँ पे है इंटेल 2025 में ये होगा। नॉट लिस्टेड ऑन द डायग्राम अबव, बट इंटेल इज एक्सपेक्टिंग टू हैव 18 एंगस्ट्रॉम प्रोसेस इन 2025। तो इंटेल हो सकता है ये 3 नैनोमीटर, या फिर हो सकता है ये 3 नैनोमीटर भी ना हो बल्कि 5 नैनोमीटर एनहेंस्ड हो, बट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इंटेल 18A जो होगा वो 3 नैनोमीटर के लिए यूज़ होगा, और 3 नैनोमीटर वाले जो CPUs तुमको देखने को मिलेंगे वो हो सकता है यहीं अपने कंट्री में जो है वो बने। और देखो 2025 आपको लग रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, पर अगर आपको नहीं पता तो आने वाला तुम्हारा जो 2022 है वो कुछ ही दिन बाद है, मतलब 2022 आ ही गया, और उसके बाद अब फैब
है भाई, फैफ बनने में टाइम लगता है। ऐसे ही तो है नहीं कि हलवा है तुमने बस ऐसे ही कुछ भी डाला, काजू किशमिश शक्कर डाली और हलवा रेडी हो गया। नहीं, फैफ बनने में टाइम लगता है और ये प्रिसीजन वाला काम है। लाइक तुम एक नैनोमीटर स्केल पे कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें जो है वो प्रिसीजन, टाइम एंड थोड़ा बहुत तुम जानते हो इंडिया की पॉलिटिक्स तो वो थोड़ा टाइम खींच सकती है। तो 2025 के आसपास तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया में जो है वो एक बड़ी तगड़ी फैब इंटेल की जो है वो रेडी हो सकती है। और हो सकता है कि फैब तब तक इंटेल कोई और टेक्नोलॉजी रिलीज कर दे, लाइक 18A के अलावा हो सकता है कोई और नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकाल दे, तो हो सकता है वो फैब जो है वो उस पर बने। ठीक है, वो चीज़ हमको नहीं पता, अभी ये श्योरिटी नहीं है, अभी ये गारंटी नहीं है कि 18A ही होगा। ठीक है, बट सोर्सेज के अनुसार ही चल रहा है और सोर्सेज काफ़ी हद तक गलत भी होते हैं, बट काफ़ी यहाँ पे इस सिनेरियो में देख के लग रहा है कि सही भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो मार्केट में सिनेरियो ये होगा कि अगर तुमको चिप शॉर्टेज मिलती है तो तुम इंटेल की फाउंड्री के आगे अपना सीपीयू लेने खुद जा सकते हो, तुम्हें दुकान जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा फाउंड्री के आगे पहुंच जाना और बोलना कि हमको यहीं से सीपीयू निकाल के दो अभी के अभी। ठीक है, तो वो चीज़ होगी, बाकी तो मजाक कर रहा हूँ। बाकी अगेन पीसी वाले की न्यूज़ टू द पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को करो जाके। और बाकी इस न्यूज़ को देखने के बाद मैं सच में बोल सकता हूँ कि अपना देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जस्ट किडिंग। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग ये न्यूज़ थी और बहुत ही खुश कर देने वाली गेमर्स को न्यूज़ है, तो जाके चेकआउट करो यार, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा। धन्यवाद भाई, टेक केयर गाइज़।